दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट। न्यूज बकेट में आपका स्वागत है। शिवपाल यादव के आज जन्मदिन और कितनी धूमधाम से बनारस के जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित हैं। सुबह से लेकर आज रुद्राभिषेक फिर कंबल वितरण तमाम तरह के आयोजन आज किए गए। ज्ञान जी क्या कहेंगे आज आपके नेता का जन्मदिन है? हम अपने नेताजी के लिए हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं उनका और दीर्घायु हो और पार्टी के लिए काम करें उनका यश कीर्ति बढ़े और जनता के लिए भी जो है आज उनका जन्मदिन भी है सरस्वती पूजा भी है और बहुत सारे आज कार्यक्रम भी है। क्या कुछ कहेंगे आज? आज हम तो यही कहेंगे कि बाबा बनखंडी बाबा विश्वनाथ जी का जो है आशीर्वाद उनके पे बने रहे और हम लोग इसने प्यार देते रहें। आज कितने लोगों को आज कंबल वितरण किया? आज हम लोग 200 लोग कंबल वितरित करेंगे अभी 80 घाट पे फिर कैंट पे और यहाँ रुद्राभिषेक किया गया है। चुनावी सरगर्मी भी लगातार बढ़ता जा रहा है और बाबा भोलेनाथ की नगरी से किस तरीके से आप लोगों की बुलंदी दिल्ली तक पहुँचे तो चुनावी के लिए अध्यक्ष जी बोलेंगे। नेताजी क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पे जलाभिषेक हुआ रुद्राभिषेक हुआ? सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के नेता करोड़ों करोड़ों के दिल के धड़कन जहाँ हमारे परिवार के और कैबिनेट मंत्री चाचा शिवपाल जी का जन्मदिन के अवसर पर आज हम समाजवादी परिवार पूरे बनारस के हर जगह चाहे हॉस्पिटल हो चाहे गरीबों को कंबल वितरण करना हर जगह फल भी वितरण करना है अभी कर भी रहे लोग तो हम बस यही दुआ करेंगे कि हमारे नेता स्वस्थ रहें। और वो एक जमाने में अंग्रेज थे तानाशाही आज इस अंग्रेजों से लड़ना है जो अंग्रेज आज के देश में काबिज है। तो हमारे नेता स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे तभी हम लोग लड़ सकते हैं। अभी एक युवा नेता है क्या कहेंगे नेता जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं आदरणीय चाचा जी को जन्मदिवस की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आज हम लोगों के लिए बहुत विशेष शुभ दिन है। इसलिए भी शुभ दिन है कि आज माँ सरस्वती की बसंत पंचमी भी है। माता सरस्वती बाबा विश्वनाथ मानपुड़ा का आशीर्वाद चाचा जी पर बना रहे और उनका स्नेह हम लोगों पर बना रहे ताकि उनसे मार्गदर्शन लेके समाज में अच्छे कार्यों में अपनी प्रतिभा बढ़ाएं। ठीक है, तो देखिए समाजवादी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि चुनावी सरगर्मी बढ़ता जा रहा है लेकिन जो आज का विशेष ये है कि आज उनका जन्मदिन है। बहुत सारे लोग हैं हर लोगों के हाथों में पोस्टर लगा हुआ है दीर्घ आयु के लिए कि क्योंकि जब जिनके नेता स्वस्थ रहेंगे तो जो इनके कार्यकर्ता हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। नेताजी ये बताइए कि बहुत सारी चीज़ें बातें हो ही रही है जिस तरीके से लेकिन एक पॉलिटिकल बयान जिस तरीके से चला आ रहा है किसानों को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे किसान जिस देश में खुशहाली अगर रहेगी तभी ना कुछ होगा। किसान परेशान है देख रहे हैं दिल्ली में जो है आंसू गैस छोड़ा जा रहा है परेशान किया जा रहा है तो किसानों को तो सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्या को सुने। हम लोग सारे लोग किसान के ही घर से हैं। तकलीफें बढ़ी है? हाँ बढ़ी है लेकिन प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि किसानों के बारे में सोचे। नेताजी क्या कहेंगे? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी किसान नहीं है, वो किसान होते तो किसानों का दर्द जानते। आज पूरे देश में आज किसान नहीं होते तो हमारे यहाँ परिवार को खाने को भी नहीं मिलता। पैदावार चाहे गेहूँ हो चाहे चावल हो चाहे दाल हो सारा हमारे किसान पैदा करें। जो किसानों के ऊपर तानाशाही सरकार लाठी बरसा रही है ये समझिए कि कुछ न कुछ देश में होने वाला है। आप देख लीजिए 2024 में इसी जनता यही किसान बिल्कुल पलट देंगे। ठीक है, तो आज लगभग 68 साल के हो चुके शिवपाल को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह और बनारस में भी विभिन्न जगहों पे इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तुम्हारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में दीजिए इजाजत नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।